हे गाइस, दिस इज संदीप निर्मले एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आपके साथ में आज एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। एक 9th क्लास का बच्चा जिसका नाम चिंटू था। चिंटू को हमेशा टीचर्स होमवर्क देते थे, बट चिंटू उस होमवर्क में हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक करता था। उसको जब टीचर्स पैराग्राफ पढ़ने देती थी, कोई पैराग्राफ उसको पढ़ने दिया और चिंटू जब वो सब बच्चों के सामने खड़ा होकर उस पैराग्राफ को पढ़ता था तो उसके रीडिंग में हमेशा मिस्टेक होती थी और टीचर से हमेशा उसको डांट मिलती थी। बट टीचर ने उसका जो मिस्टेक होती थी और उस चिंटू की जो प्रॉब्लम्स थी उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की, बजाय उसको हमेशा डांट मिलती रही। बट ऐसे कई चिंटूज हैं जिनको ये समस्या का इस समस्या स्पेलिंग एरर है, और उस स्पेलिंग एरर की वजह से उनको क्लास में डांट मिलती थी या अपने आप से शर्मिंदा होना पड़ता था। तो ऐसे कई चिंटूज की जो समस्या है, उस समस्या का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के साथ में बने रहिए, साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही साथ आपने इसके पहले जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं उस वीडियो को नहीं देखा हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी आप कंटिन्यू कर कीजिए। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने रूल नंबर 5 तक डिस्कस किए थे, अब हम रूल नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि वर्ड एंडिंग इन यन रिटन यन व्हेन नेस इज एडेड है कि किसी भी वर्ड की एंडिंग यन से होती है तो हमें हमें उस वर्ड यन को एज इट इज लिखना है। कब? जब जो सुफिक्स है यन, नाउन सुफिक्स, जो नेस्ट नाउन सुफिक्स है हम जब ऐड करेंगे तो उस यन को हमें एज इट इज लिखना है, उसे निकालना नहीं है। तो इसे एग्जांपल में देखिए, मैंने एग्जांपल लिए है यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए है। इसमें देखिए ये जो नी है, इसमें देखिए नीनेस, इसमें जो नी था वो हमने एजिटिज रखा है। देखिए इसमें के एंडिंग में हमने एजिटिज जो नेस लगाया है, हमने नाउन, हम इसे नाउन सुफिक्स जब लगा रहे हैं तो एन को हमने यहाँ पे एजिटिज लिखा। सेकंड में देखिए कि यहाँ पे क्लीन, क्लीन में भी आखिरी में देखिए एक एन है और उस एन को हमने एजिटिज लिखा है जब हमने उसको नेस सुफिक्स था वो ऐड किया है। तो ये 3 एग्जांपल्स के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो कि आपको किस तरह से जो नाउन सुफिक्स है नेस उसे किस तरह से आप यूज़ करोगे। तो ये सिंपल सा और एक लाइन वाला ही रूल है। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इस लाइन को 1 से 2 बार ध्यान से पढ़िए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा है, 1 या 2 बार में आप पढ़ जाओ, इसे पढ़ोगे तो उसको ये आपको समझ में आ जाएगा। देन हम रूल नंबर 7 पे देखते हैं, 7 को देखती है कि वर्ड एंडिंग इन डबल एल आर यूज विथ सिंगल एल व्हेन कंपाउंड विथ फुल ऑल वेल एन अन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो जो भी वर्ड होगा उसके एंडिंग में जो डबल एल होगा उसे हमें सिंगल एल में लिखना है। मतलब जब हम उसमें ये जो यहाँ पे प्रीफिक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए फुल ऑल वेल अन एंड इन, ये दो जो भी मैंने प्रीफिक्स लगाए हैं लिखे हैं यहाँ पे, उस प्रीफिक्स को आप जब जोड़ोगे उसमें तो आपको उस एल को सिंगल में लिखना है। तो देखिए इसके एग्जांपल यहाँ पे देखिए ऑल प्रीफिक्स आया है तो हमने जब इसको प्लस टुगेदर जोड़ा लगाया है तो यहाँ पे देखिए ये सिंगल एल में कन्वर्ट हुआ है। मतलब सिंपल है कि जो डबल एल है उसे हमें सिंगल में कन्वर्ट करके लिखना है। देन देखिए यहाँ पे ऑल, तो हमने इसमें मोस्ट प्लस किया है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है, सिंगल एल में तब्दील हुआ है। यहाँ पे देखिए सिंपल से आप देख सकते हो सिंगल एल में हमने उसको कन्वर्ट किया। देन वेल में भी देखिए, वेल यहाँ पे प्रीफिक्स हमने यूज किया है, उसमें हमने कम जो है उसमें ऐड करके देखिए यहाँ पे जो हुआ है वो एक कम्प्लीट वर्ड वेलकम। इसमें भी जो डबल एल, यहाँ पे देखिए जो डबल एल था वो सिंगल एल में हमने लिख लिया है। देन यहाँ पे भी देखिए ऑल प्रीफिक्स आया है रेडी में, इसमें हमने रेडी प्लस किया है तो यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है, ऑलरेडी में भी ये सिंगल एल में तब्दील हुआ है। देन यहाँ पे अन प्रीफिक्स यूज हुआ है तो हमने इसको टिल के साथ में प्लस किया, देन हो गया ये अनटिल, ये सिंगल एल में लिखिए आखिरी में जो था वो सिंगल एल है, टिल का जो डबल था वो सिंगल एल में कन्वर्ट हो गया। देन देखिए इन,
इनमें देखिए हमने स्टील को प्लस किया है, यहाँ पे भी डबल एल है, देन यहाँ पे जो हुए वो सिंगल एल है और स्टील में कन्वर्ट हुआ है। देन यहाँ पे रूल नंबर 8 के साथ में हम जाएंगे। रूल नंबर 8 का ए पॉइंट देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि द द साइलेंट ई इज नॉट ड्रॉपड व्हेन सुफिक्स एल वाई इज एडेड। क्या बोल रहा है कि जो साइलेंट ई होता है उसे हमें निकालना है नहीं है, उसको हमको एज इट इज लिखना है जब सुफिक्स उसमें हम एल वाई ऐड करेंगे तो। बड़ा ही सिंपल है, ये भी एक सिंगल लाइन का रूल है, इससे समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो ई है साइलेंट में उसको हमें एज इट इज लिखना है जब भी हम सुफिक्स एल वाई इसमें ऐड करेंगे तो। देखिए यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स में जो साइलेंट ई है इसमें ई का यूज ही नहीं हो रहा, साइलेंट है ई, फॉल्स में साइलेंट ई है उसमें हमने देखे जब सुफिक्स एल वाई इसमें ऐड किया है तो देन यहाँ पे फॉल्स भी हुआ है। सिंपल सा यहाँ पे देखिए ई का यूज हमने इसमें किया है, यही रूल समझा रहा था हमें कि ई जो है हमें एज इट इज लिखना है जब हम सुफिक्स इसमें एल वाई यूज करेंगे। देन सेकंड में देखिए सेफ, सेफ में भी देखिए ई है, सेफ में देखिए ई साइलेंट है उसके, जब हमने उसमें इधर देखिए जब हमने इसमें एल वाई प्लस किया है, एल वाई सुफिक्स प्लस किया है तो सेम यहाँ पे हमने ई को एज इट इज लिखा है और उसमें हमने एल वाई को प्लस किया। थर्ड देखिए श्योर, श्योर में भी ई साइलेंट है, यहाँ पे हमने जब इसमें एल वाई को हमने इसमें ऐड किया है देन यहाँ पे श्योरली हुआ है। तो ये था सिंपल सा रूल नंबर 8 का ये पॉइंट। इसके बाद में हम जो भी रूल्स आएंगे उसको भी देखेंगे, बट आपको आई होप ये रूल्स समझ में आए होंगे। नहीं भी समझ में आते हैं एक दो बार आप उसको पढ़ लेते हो तो आपको बड़ी ही आसानी से वो समझ में आ जाएंगे। रूल नंबर 8 का बी पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। ई इज नॉट ड्रॉपिड व्हेन सुफिक्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट आर एडेड सच एज, ये जो सुफिक्स है फुल लेस वुड एल वाई मेंटेनेंस, क्या बोल रहा है कि सुफिक्स की यदि शुरुआत एक कॉन्सोनेंट से होती है तो हमें ये जो ई है उसे हमें निकालना नहीं है, एज इट इज उसे जोड़ना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये पहला जो एग्जांपल है इसमें देखिए इसमें ई है, हेट, हेट में ई है और हमने इसमें क्या ऐड किया है फुल, फुल सुफिक्स हमने इसमें ऐड किया है तो ये जो ई था उसको हमने एज इट इज रखा है। देखिए यहाँ पे इस ई को हमने एज इट इज रखा है, यही समझा रहा है। अब ये जो जिन ये बच्चों के लिए है, जिन बच्चों को नहीं पता है ये जो पांच वॉवेल्स है इन पांच वॉवेल्स को छोड़ के जो 21 लेटर्स है उसमें से एक जो भी कॉन्सोनेंट है वो आएगा किसी भी सुफिक्स के साथ शुरुआत में तो हमें इस ई को एज इट इज रखना है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स का जो सेकंड नंबर का एग्जाम्पल्स है इसमें देखिए यूज, यूज में जो ई है उसको भी हमने जब लेस सुफिक्स ऐड किया है तो हमने एज इट इज उसको इस ई को एज इट इज लिखा हुआ है। देन देखिए थर्ड में देखिए केयर, केयर में भी देखिए यहाँ पे ई है और उसको हमने फुल जो है वो सुफिक्स ऐड किया है तो यहाँ पे केयरफुल हुआ है, केयरफुल में देखिए ई एज इट इज हमने लिखा हुआ है। फोर्थ में भी वही सेम दिखेगा आपको, यहाँ पे हमने मेंट जो सुफिक्स है वो यूज किया है और देखो यहाँ पे इम्प्रूव, इम्प्रूव में देखिए ई था, इम्प्रूव के एंडिंग में देखिए लास्ट में यहाँ पे ई आया हुआ है तो उस ई को भी हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जब हमने यहाँ पे प्लस, इस प्लस पे भी हम हीटर मिटा लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक कंप्लीट हुआ है, एक कंप्लीट वर्ड हुआ है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट को हमने जो मेंट है ये सुफिक्स लगा है और उस ये को भी हमने एडिटिव लिखा है उसे नहीं निकाला है। सेम चीज देखिए सेम यहाँ पे भी लाइक में भी वही है, लाइक में भी ई है तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट सुफिक्स जब उसमें ऐड किया है तो हमने इसको एडिटिव, और लाइक में देखिए यहाँ पे देखिए ये एज इट इज लिखा है। सेम आपको जो भी एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल्स को आप देखोगे और उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रूल सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई लॉजिक यहाँ पे इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है, आपको थोड़ा केयरफुली इसे पढ़ना है ताकि आपको समझ में आएगा। जो बच्चे अभी जिनको इंग्लिश का सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकालने आता है उनके लिए ये खास करके मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये रूल भी ऐसे है कि सिंपल से एक बार दो बार आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देन आप आते हैं रूल नंबर 9 का ए पॉइंट जो है उसको हम देखें, ये भी एक छोटा सा रूल है, एक ही लाइन में है, ये भी आप पढ़ते बराबर इसको आप समझ में आ जाएगा। देखिए द साइलेंट ई इज नॉट ड्रॉपड व्हाइल एडिंग सुफिक्स सच एज आईएनजी एबल आए और अस, ये क्या बोल रहा है कि हमें ये जो ई है
इसे ड्रॉप इट करना है, मतलब इस ई को हमें निकालना है कब, कि जब ये जो सुफिक्स है यहाँ पे आईएनजी एबल अरे और ये एस, ये चार सुफिक्स में से जो भी सुफिक्स यदि आएगा हम उसको ऐड करेंगे तो हमें ये जो ई है उस ई को हमें निकालना है, और उस ई को निकाल कर हमें जो भी सुफिक्स है उसे लगाना है। सिंपल सा देखिए यहाँ पे रो, रो में जो ई है तो जब हमने इसमें आईएनजी सुफिक्स ऐड किया है तो ये रोइंग हुआ है। देखो यहाँ पे बी के बाद में जो ई था वो हमने निकाल के उसको आईएनजी लगाया है। देन देखिए केयर, केयर में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे केयर में ई था आखिरी में, जो है केयर का आखिरी में एंडिंग में देखिए ई है, उस ई को हमने निकाला हुआ है और यहाँ पे देखिए आईएनजी फॉर्म लगाया है और केयरिंग हुआ है। ई को सिंपल से निकालना है, जब ये चार सुफिक्स आप यूज करोगे तो इस ई को हटा के ये चार सुफिक्स आपको जोड़ना है। थर्ड में भी देखिए एज, एज में ये लगा हुआ है और जब हमने इसमें आईएनजी लगाया हुआ है तो एजिंग हुआ है, इसमें ये को हमने निकाल लिया है। देन वैल्यू, वैल्यू में भी देखिए हमने इसमें एबल सफिक्स लगाया है, एबल लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे यू, यहाँ पे यू के बाद में ई था तो हमने इस ई को भी निकाल लिया। यहाँ पे फिफ्थ में देखिए कि नोट, नोट में भी ई था तो उसको एबल जब सफिक्स हमने लगाया है तो हमने उसको ई को निकाल कर ही एबल सफिक्स लगाया है। देखिए ये नोट के बाद जो ई था वो गायब है, डायरेक्टली हमने इसको एबल जो सफिक्स था वो लगाया। देन यहाँ पे देखिए एडवाइज, यहाँ पे भी देखिए एडवाइज में आखिरी में सेम चीज़ थी, यहाँ पे भी रिपीट हुई है, इसमें भी जो ई है उसको हटाकर हमने एबल को लगाया तो एडवाइजेबल हुआ है। देन यहाँ पे इमेजिन, इमेजिन में भी ई है और इस ई को भी हमने निकाला है और ए आर वाई आर एस लगाया है तो इमेजिनरी हुआ है ये, यहाँ पे देखिए हमने ई को हटाया है, इमेजिनरी हुआ। सेम एट जो एग्जाम्पल है 8 नंबर का उसमें भी देखिए डिजायर, डिजायर में भी हमने जब वो यूएस सुफिक्स लगाया है तो डिजायर्स हुआ है तो इसको हमने ई को हटा के ही ये सुफिक्स लगाया। तो ये एक बात सिंपल सी है कि आपको जब भी ये चार जो सुफिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये चार सुफिक्स यदि आपको जोड़ना हुआ होगा तो आप इस ई को जो है निकाल के उस सुफिक्स को लगाना है। बस रूल्स में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आपको बस ध्यान देना है उससे और समझना है, बस ज़्यादा लंबे लंबे रूल्स नहीं है। जो भी बच्चे हो जिनको ट्रांसलेट नहीं करना आता है इंग्लिश सेंटेंस, तो उनके लिए खास करके बता रहा हूँ कि ज़्यादा लंबे सेंटेंस लंबे लंबे नहीं है रूल्स, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट इन शॉर्ट एक ही लाइन का है, एक एक दो दो लाइन के रूल्स होते हैं। तो इन रूल्स को आपको ध्यान से पढ़ना है और इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है कि एग्जाम्पल्स को देखे किस तरह से मैंने इसको लिखा है, बस आपको एग्जाम्पल को देखो, देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था रूल नंबर 9, इसके बाद में जो भी रूल्स आएंगे वो हम तो देखेंगे, तो फिलहाल के लिए इतना ही।